हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए अगेन ब्लाउज कलेक्शन। और इससे पहले जो मैंने ब्लाउज़ मंगाए थे, मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आए। मुझे मतलब ये जो होजरी फैब्रिक के ब्लाउज़ होते हैं, लैक्रा फैब्रिक के, जो एज अ क्रॉप टॉप हम पहन सकते हैं जिन्हें, वो ब्लाउज़ मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने कुछ ब्लाउज़ पहले मंगाए थे, उन्हें मैंने पहना, मुझे बहुत ही कम्फर्टेबल लगे। तो उसी टाइप के कुछ ब्लाउज़ मैंने फिर से मंगाए हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। बाय द वे, सारे ब्लाउज़ जो हैं मेरे अमेज़ॉन से हैं, और अमेज़ॉन पे चल रही है वार्डरोब रिफ्रेश सेल। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप सेल के टाइम पे लेंगे तो आपके कुछ पैसे भी बचेंगे। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो सबसे पहले जो ब्लाउज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो मेरा आज के कलेक्शन का फेवरेट ब्लाउज़ है, और ये ग्रीन कलर का ब्लाउज़ है। ये देखिए, कुछ इस टाइप का है, और पूरा पार्टी वेयर ब्लाउज़ है। आप इसे किसी भी साड़ी के साथ पहन सकते हैं, रेड कलर की साड़ी के साथ, ग्रीन कलर की साड़ी के साथ, मतलब आप इसे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं काफ़ी सारी साड़ियों के साथ। तो ये जो इसका फैब्रिक है, थोड़ा सा स्ट्रेचबल है इस, ये देखिए, तो इसकी जो फिटिंग आती है बहुत ही अच्छी आती है। और इसमें मैंने साइज़ क्या मंगाया है, आई थिंक इसमें साइज़ मैंने एम मंगाया है। मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, और इसमें कुछ मेंशन भी नहीं है। तो ये वाला साइज़ आई थिंक मैंने एम मंगाया है। ये मुझे प्रॉपर अच्छी सी फिटिंग पे आया है। तो इसमें साइज़ ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो स्मॉल भी मंगा सकते हो, मीडियम, लार्ज, सारे ऑप्शन हैं। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं। बहुत ही प्यारी फिटिंग आती है इसकी, ये इस टाइप का है। और ये जो आपको शाइन दिख रहा है, ये फॉयल प्रिंट नहीं है, ये इसमें फैब्रिक में ही जो थ्रेड होता है ना, गोल्डन थ्रेड, उस तरह से इसमें गुथी हुई है। तो ये निकलने वाला नहीं है वॉश करने के बाद। और इसकी फिटिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और एकदम हैवी ब्लाउज़ आपका रेडी होगा। प्लेन साड़ी के साथ आप इस ब्लाउज़ को पहनेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रंट से आपको ये राउंड नेक मिलता है, छोटा राउंड नेक है, और बैक से थोड़ा सा आपको डीप मिलता है, इस टाइप का है। और इसमें जो ये फ्रंट ये दिया हुआ है, इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए, यहाँ पे इस टाइप का ये बना हुआ है, और यहाँ पे इस तरह का ये बना हुआ है, इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो ये वाला ब्लाउज़ मेरा फेवरेट, मुझे आज के कलेक्शन में सबसे प्यारा ब्लाउज़ मुझे ये लगा, और प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल है। तो इस तरह के ब्लाउज़ का कलेक्शन होना चाहिए, बिकॉज इस तरह के ब्लाउज़ काफ़ी साड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, आप किसी भी स्कर्ट के साथ पहन सकते हैं, और काफ़ी अच्छा सा ये ब्लाउज़ लगा मुझे। तो ये है मेरा फर्स्ट ब्लाउज़। सेकेंड ब्लाउज़ मैंने मंगाया है पर्पल कलर का। मेरे पास पर्पल कलर का कोई ब्लाउज़ नहीं था, और इस वाले ब्लाउज़ में आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो आपको जो कलर चाहिए आप वो भी ले सकते हो। सो इस ब्लाउज़ को आप एज अ क्रॉप टॉप भी पहन सकते हो, और ब्लाउज़ भी पहन सकते हो। इसमें साइज़ एम नहीं था, तो मैंने एल मंगाया है, बट ये मेरे को मतलब ठीक है, बहुत लूज़ नहीं है, एकदम कम्फर्टेबल है। और ये भी ऐसा ये स्ट्रेचबल फैब्रिक पे है, आई थिंक लैक्रा फैब्रिक पे है, बट बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब पहन के एकदम ये नहीं लग रहा कि चुभ रहा है, कि गर्मी लग रही है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जो आपको स्लीव्स मिलती है वो नेट की मिलती है, इस तरह की, और यहाँ पे आपको ये सेम फैब्रिक है इस तरह का। तो ये इस पैटर्न पे है इसकी स्लीव्स, पहन के बहुत ही कंफर्टेबल है, बट इसका जो नेट की क्वालिटी है थोड़ी सी टाइट है। तो ये जो यहाँ पे ये स्टिच किया हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मतलब इरिटेशन सी होती है, तो आप देख लेना। प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे सही लगा। ये आपको फ्रंट से इस तरह का नेक मिलता है, स्क्वायर नेक, और बैक से भी आपको सेम मिलता है। इसका जो ये वाला मटेरियल है, ये काफ़ी सॉफ्ट है, इसमें आपको मतलब कि कोई भी ना इरिटेशन, खुजली कुछ भी नहीं होगी। बट ये जो नेट की क्वालिटी दी है इन्होंने, थोड़ी सी कम अच्छी है, जिससे यहाँ पे जो इनकी स्टिचिंग है उससे यहाँ पे थोड़ी सी खुजली सी होती है, बाकी अच्छा है, ओवरऑल देखें तो अच्छा है। इसमें भी कलर ऑप्शन है, तो आपको जो कलर चाहिए आप वो कलर परचेज कर सकते हो। सो नेक्स्ट मेरा ये ब्लाउज़ है मरून कलर का, और ये वाला ब्लाउज़ भी मुझे काफ़ी टाइम से मंगाना था। इसमें भी साइज़ मुझे एम नहीं मिला है, तो मैंने एल मंगाया है, बट ये मेरे को फिट है बहुत, मतलब आई थिंक मैं एम मंगाती तो ये मेरे को काफ़ी मतलब कि अच्छी सी टाइट फिटिंग होती, बट ये एल जो है वो एकदम कंफर्टेबल होके मैं पहन पा रही हूँ। तो ये इस तरह का है, स्लीव्स पे आपको ये वाला पैटर्न मिलता है बलून शेप में, यहाँ पे इस तरह की गैदरिंग की हुई है, और यहाँ पे भी अलग से इस तरह का फैब्रिक मिला हुआ है। तो ये जो इसका फैब्रिक है काफ़ी मोटा है,
और ये आई थिंक लेकरा जो टॉप वाले फैब्रिक होते हैं ना, उस तरह का फैब्रिक है, इस तरह का आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। और इसका जो ये वाला फ्रंट लुक है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलास्टिक लगी हुई है इसकी वजह से फिटिंग बहुत ही अच्छी आ रही है। ये जो ये वाला पैटर्न है इससे बहुत ही अच्छी फिटिंग आ रही है। तो इसमें भी आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्लैक, ग्रीन, आई थिंक काफ़ी कलर हैं, तो आपको जो भी कलर चाहिए आप ले सकते हो। और इसे आप टॉप की तरह भी पहन सकते हो, किसी भी ट्राउज़र पैंट के साथ पहनोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा था, वैसे मेरे पास मरून कलर का ब्लाउज था बट ये मुझे कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ब्लैक मेरे पास काफ़ी सारे ब्लाउज हो गए थे इस वजह से मैंने ब्लैक नहीं मंगाया, इसका ब्लैक भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये इस तरह का है। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये सी ग्रीन कलर का ब्लाउज, ये है ब्रॉकेट फैब्रिक का, इस तरह का मुझे ब्लाउज चाहिए था, इस कलर का मेरे पास ब्लाउज नहीं था बट इसमें साइज नहीं था तो ये काफ़ी बड़ा सा है, ये फ्री साइज का है तो इसे मुझे ऑल्टर कराना पड़ेगा। इसमें जो लाइनिंग यूज़ की हुई वो कॉटन की नहीं है, जो टेरिकॉट वाला फैब्रिक होता है वो वाला फैब्रिक है। ये पैडेड ब्लाउज है, इस ब्लाउज में भी कलर ऑप्शन है बट ये आपको फ्री साइज में मिलेगा, तो अगर आप ऑल्टर कराना चाहते हैं तभी आप ये वाला ब्लाउज लीजिएगा। और ये आपको बैक हुक मिलेगा इसमें, और ये बैक से आपको काफ़ी डीप नेक मिलेगा, फ्रंट से आपको इस तरह का प्रिंसेस कट वाला ये ब्लाउज है। तो इसकी जो अगर फिटिंग कराएंगे तो हम काफ़ी अच्छा सा ब्लाउज रेडी होगा। प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये वाला पीस अच्छा लगा, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, तो अगर आपको स्लीवलेस ब्लाउज चाहिए तो आप ये वाला ले सकते हो। अभी मैंने इसे ट्राई नहीं किया है बिकॉज ये काफ़ी लूज है तो इसमें ऑल्टर कराना पड़ेगा, तो मैं पहन के आपको ट्राई ऑन हॉल में आपको एग्जैक्टली इसका लुक क्लियर होगा। और ये लास्ट मैंने मंगाया है ये वेलवेट का ब्लाउज़ जो कि काफ़ी हैवी है और काफ़ी अच्छा है, और साइज़ अगेन इसमें फ्री साइज़ था तो इसमें साइज़ का ऑप्शन नहीं था, इसे मुझे ऑल्टर कराना पड़ेगा। वेलवेट का ब्लाउज़ है, काफ़ी अच्छा है, इसका जो वर्क है बहुत ही प्यारा है, मतलब ऐसा नहीं है कि गंदा सा गोल्डन है। और ये मैंने दूसरी सिलाई खोल दी है तो ये बंद नहीं होगा, मैं इसे ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ। ये इस टाइप का इसका फ्रंट नेक है, बहुत ही प्यारा लगेगा पहनने पे, इस टाइप का इसका फ्रंट नेक है और बैक से आपको इस तरह का ये राउंड नेक मिलेगा काफ़ी बड़ा सा। और जो इसका वर्क है बहुत ही फाइन है, इसमें कोई भी थ्रेड नहीं निकला हुआ है, वेलवेट का इसका जो फैब्रिक है ये वेलवेट है। इसमें भी कलर ऑप्शन है तो आप कोई भी कलर ले सकते हो, मुझे मरून चाहिए था तो मैंने मरून मंगाया है। और ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स में भी आपको ये हैवी वर्क मिलता है, यहाँ पे ये स्टोन लगे हुए हैं, तो आप किसी भी सिंपल साड़ी के साथ इस तरह का हैवी ब्लाउज पहन के आपका जो लुक है काफ़ी हैवी रेडी होगा। तो इसका जो ये फ्रंट नेक है वो काफ़ी अच्छा लगता है, देखती हूँ अगर ये ऑल्टर हो जाएगा तो मैं आपको इसका ओवरऑल लुक ट्राई ऑन हॉल में लगा दूंगी। बाकी ब्लाउज़ की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा है, ब्लाउज़ में आपको ये पैड भी मिलते हैं और जो इसकी लाइनिंग है ये टेरिकॉट की है और बहुत ही अच्छे से प्रॉपर इसकी स्टिचिंग है। ये देखिए यहाँ पे इंटरलॉक किया हुआ है तो मतलब ब्लाउज़ खुलने का ऐसा ये नहीं है, स्टिचिंग बहुत ही अच्छी है। और आपको इस तरह की ये डोरी मिलती है जिसमें इस तरह का टेसल्स मिलता है। तो ओवरऑल ब्लाउज़ की बात करूँ तो मुझे ब्लाउज़ तो पसंद आया बट अब ये ऑल्टर हो जाए मेरे साइज़ का तो ये देखिए इस टाइप का ये ब्लाउज़ है। मैंने एक साड़ी के लिए इसे मंगाया है, आई होप उस साड़ी के साथ अच्छा लगे। सो इससे पहले भी मैंने कुछ ब्लाउज मंगाए थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए थे और वो पहन के मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही मतलब कंफर्टेबल लगे, तो इस वजह से मैंने ये कुछ ब्लाउज और मंगाए थे। सो जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं मैं उनके लिए बता दूं, मैंने ये वाले ब्लाउज मंगाए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है इसमें। ये वाला ब्लाउज मैंने मंगाया था, एक ये होजरी कॉटन का ब्लाउज है ये वाला मंगाया था, इसमें भी कलर ऑप्शन है, इसमें भी कलर ऑप्शन है। और ये एक मैंने ब्लैक कलर का मंगाया था इस टाइप का, ये भी बहुत ही अच्छा ब्लाउज है। मतलब ये ऐसे ब्लाउज हैं कि आप इन्हें मतलब आपके वार्डरोब में होना ही होना चाहिए, इसी वजह से मैंने ये वाला ब्लाउज मंगाया, ये वाला भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस टाइप की ये जो ब्लाउज होते हैं पर्सनली मैं बताऊँ, मैं मेरे को स्टिचिंग कराने जाना डालना ये सब बहुत ही ज़्यादा बवाल लगता है, इस वजह से मुझे इस टाइप के ब्लाउज अच्छे लगते हैं और प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल रहता है, जितने में आपका ब्लाउज स्टिच होता है उसमें आपका ये रेडी ब्लाउज आ जाता है। आई होप
होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।